माफिया के विरुद्ध कार्रवाई का काफी जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और मोहन अखबार में आपने देखा होगा महू में कार्रवाई हुई है और उसका बड़ा अच्छा परिणाम आया वहाँ पर। इंदौर में भी एक माफिया सक्रिय था, बहुत दिनों से हम लोगों ने अपने सोर्सेज लगा रखे थे उसमें, जो राशन माफिया भरत दवे और एक दीपक दहीगुड़े नाम के व्यक्ति हैं, इनके द्वारा काफ़ी मात्रा में राशन लोगों से गरीबों से पीओएस मशीन में अंगूठा लगवा के और जो मात्रा का अंगूठा लगवाया है उतनी मात्रा न देते हुए कम मात्रा देते हुए संकलित किया जा रहा था, उसको बाजारों में भेजा जा रहा था। तो ये भी एक तरह का सेम वही मोटर ऑपरेटिव है जो मोहन अग्रवाल यूज करते थे महू में। इसमें 13 दुकानों को सील किया था हम लोगों ने, वहाँ के रिकॉर्ड रजिस्टर, वहाँ का पीओएस मशीन, वहाँ का स्टॉक सब वेरीफाई और रिकॉर्ड लेकर के सील की कार्रवाई की गई थी। वहाँ बहुत एलिबिलिटीज निकली, उसकी जांच चल रही है अभी। जांच में गलत अगर पाया जाएगा तो फर्दर और भी FIR सभी होंगे इसमें, अभी जांच चल रही है। कल की जो कार्रवाई थी मीना की, क्योंकि संलिप्तता पाई गई थी दीपक दहीगुड़े से और भरत दवे से, उसके द्वारा कुछ ड्रग इंस्पेक्टर्स फूड इंस्पेक्टर्स को जांच करने से रोका जा रहा था। ये बड़ा आपत्तिजनक होता है ये कि एक तो फूड कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गरीबों का राशन खाने वाले ऐसे राशन माफियों में कार्रवाई करें, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार बोल रहे हैं, शासन गंभीर है इसमें, और अगर फूड इंस्पेक्टर्स ने और एडिशनल कलेक्टर ने मुझे ऐसा पकड़ा है मामला, उसमें आप फूड इंस्पेक्टर्स को डिस्करेज कर रहे हो जांच करें, चूंकि आपकी संलिप्तता है राशन माफियाओं से, इसलिए उसको निलंबित किया है, उनका अलीराजपुर अटैचमेंट किया है, गाड़ी पर ड्रॉ कर ली गई है, नेम प्लेट हटा दी गई है, और बाकी फूड इंस्पेक्टर्स हमारे अच्छा काम कर रहे हैं सभी, किसी में डिप्टी कलेक्टर को दूंगा चार्ज। Oh, oh, oh.